अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ माश की दाल। इसके लिए मैंने किया है एक और आधी कटोरी मैंने ले ली थी और इसको एक घंटे पहले भगो लिया था। ये देखें, ये भगो लिया था और ये भीग चुकी है ऑलमोस्ट। फिर मैंने इसमें डाल रही हूँ 3 टमाटर। फिर ये जाएगा इसमें ऑयल, हाफ कटोरी है ये। फिर मैंने लिया है इसमें एक अनियन, नॉर्मल साइज़ का लिया है, बहुत बड़ा नहीं लिया, नॉर्मल अनियन लिया है। फिर मैंने लिया है इसमें गार्लिक, 3 क्लोव हैं, ये सेंटर से कटे हुए हैं इसलिए बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और लिया है एक जिंजर, इन दोनों को मैं पीस लूँगी। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्विच ऑन गैस फ्लेम, मैंने ऑन कर लिया है। मैं इसमें डाल दूँगी ऑयल। तब तक मैं क्या करूँगी, ये जो लहसुन और अदरक हैं इन दोनों को मैं इसमें पीस लूँगी। आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो ये मैंने कर लिया है, मैंने लहसुन अदरक पीस लिया है। अब मैं इसमें जो मसाले हैं वो डालूँगी, ज़ीरा कसूरी, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, हसबे जायका डाल सकते हैं, रेड चिली मैंने 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून। अब ये हमारा ऑयल हो चुका है गरम। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं अपने अनियन। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ जो मैंने अनियन, ये सारे मैं अनियन डाल दूँगी। कलर थोड़ा सा चेंज और हो जाए फिर मैं इसमें डाल दूँगी टमाटो अपने। जो मुझे कलर चाहिए था अब मैं इसमें डाल दूँगी सारे टमाटर जो मैंने कट किए थे और अब मैं इसको कर लूँगी मिक्स। अच्छा सा मसाला बनेगा तो हमारी दाल अच्छी बनेगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक जो मैंने ग्राइंड कर ली थी। अब इसमें जा रहा है लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मेरा जो मैंने टमाटर और ये लिया, ये अब मैं कर दूँगी मिक्स। अब इसमें मैं डालने जा रही हूँ जो मैंने ये बताया था, ज़ीरा कसूरी मेथी, हल्दी, नमक, मिर्च, ये सब तीनों सब चीज़ें मैं इसमें ऐड इन कर दूँगी। अब मैं इसको कर लूँगी मिक्स। अब इसमें मैं ऐड इन करने जा रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स। अच्छा, इसमें मैं ये डाल दूँगी 1 चम्मची दाल मसाला है मेरे पास, अगर ये ना हो तो कोई मसला नहीं है, दिस इज़ ऑप्शनल टोटली। ऐसा ये होता है कि अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। बस तो मैं साथ साथ करती रहूँगी मिक्स। मैं ऐड इन कर रही हूँ ये 6 चिलीज, ये मैंने इसमें ऐड इन कर दिया 1 कप पानी। और अब मैं इसको तेज़ आंच करके गलने के लिए रख दूँगी। मैं अब मैं इसको कवर करके रख रही हूँ और मैं आधे घंटे बाद आपके पास आती हूँ। ये मेरी दाल बन चुकी है। मैं इसका पानी खुश कर लूँगी, चाहे तो रहने दें, चाहे तो खुश कर लें। इस तरह से दाल को देख के चेक करें गली है कि नहीं गली, अगर नहीं गली तो मज़ीदा पानी ऐड इन कर सकते हैं।
मेरा ये पानी काफ़ी है, इस पानी में मज़ीद गल जाएगी ये दाल। मैं इसको 15 मिनट के लिए मज़ीद छोड़ दूँगी। ये बन चुकी है मेरी माश की दाल। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। ये मैंने कर लिया है डिश आउट, गार्निश कर दिया मैंने इसको धनिया, जिंजर एंड हरी मिर्चों के साथ। ज़रूर बनाइएगा, इसको सर्व कीजिए, नान की रोटी के साथ बेस्ट है। ज़रूर बनाइएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।